हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कश्मीरा एंड आज की वीडियो में हम क्रिसमस के लिए एक बॉटल बनाने वाले हैं। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये बड़ी सी बॉटल। ये स्टैंडर्ड साइज़ की बॉटल है और उसका कलर आप कोई भी कलर ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, ब्राउन ले सकते हो, कोई भी कलर ले लो, ट्रांसपेरेंट भी होगा आपके पास तो वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद मैंने ले लिया है ये डेकोपाच पेपर। ये जो डेकोपाच पेपर है ये आपको एक अगर आप ऑर्डर करते हो या फिर स्टोर से परचेस करते हो तो आपको एक 89 रुपीज़ में मिलेगा पैकेट। तो एक पैकेट में उसको आपको 4 डेकोपाच पेपर्स मिलेंगे। एक डिज़ाइन के 2 पेपर्स मिलेंगे, ऐसे 2 डिज़ाइन आपको मिलेंगे। तो ये वाला डिज़ाइन के 2 मिले हैं मुझे और एक ये वाली डिज़ाइन मिली है। तो आप और भी ज़्यादा आर्टवर्क्स उससे बना सकते हो उसको यूज़ करके। तो ये जो DIY है आज का, इसके लिए मैं ये वाला डेकोपाच पेपर यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले हम मेजर कर लेंगे कि कितना हमें चाहिए है, उस हिसाब से फिर हम इसको कट कर देंगे। आप मेजर करके भी बना सकते हो बट ये वाला मेथड मुझे ज़्यादा इजी जाता है, फटाफट से हो जाता है, आपको स्केल और वो सब लेके बैठना नहीं पड़ता। तो ये हो गया है। अब हम यूज़ करेंगे डेको मैजिक ग्लू। ये जो है ये डेको मैजिक ग्लू, ये डेकोपाच ग्लू है। जब जब हम डेकोपाच करते हैं तब हम ये वाला ग्लू यूज़ कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स के आते हैं, मैट में भी आता है, ग्लॉस में भी आता है। तो आपको जैसा फिनिशिंग चाहिए उस हिसाब से आप अपना ग्लू सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा मैंने बॉटल को लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर ये डेकोपाच पेपर लगाएंगे। तो अब इस स्टेप के लिए आपको थोड़ा सा धीरे धीरे काम करना है और एक बात का ध्यान रखो कि कोई बबल्स ना आए उसमें। तो अब ये अच्छे से स्टिक हो गया है। अब इसके ऊपर और एक कोट आएगा डेको मैजिक ग्लू का, ठीक है। तो एजेस मैंने पूरी सील कर दी अच्छे से। अब इसके ऊपर ये वाला एक कोट आएगा और इसको भी हम अच्छे से ड्राई होने देंगे। उसके बाद मैं ये ब्लैक एक्रेलिक कलर दे रही हूँ। जितना भी बचा हुआ पोर्शन है उसमें हम पहले ब्लैक कलर दे देंगे। जो डेकोपाच पेपर का बैकग्राउंड है आप देख सकते हो, क्रिसमस रिलेटेड थीम है वो, तो हम उस हिसाब से इस बॉटल को पेंट करेंगे। तो पहले मैं पूरी बॉटल को ब्लैक कलर दे रही हूँ बचे हुए पोर्शन में, और ब्लैक कलर के बाद हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करने वाले हैं। सब कलर्स का मैंने शेड का नेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो आपको इजी जाएगा परचेस करते टाइम। और ये स्पंज डैबर यूज़ कर रही हूँ मैं, छोटा वाला साइज़ है इसका। और क्योंकि हमको जो एरिया पेंट करना है वो एरिया थोड़ा साइज़ छोटा है उसका, इसलिए मैं स्पंज का साइज़ भी छोटा ले रही हूँ। तो इस तरह से हम पेंट कर लेंगे। थोड़ा सा पर्पल, थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा लाइट ब्लू वाइट मिक्स करके उसमें ऐसे बहुत सारे कलर्स मिक्स करके जो क्रिसमस का थीम बनता है, मतलब क्रिसमस रिलेटेड जो कलर्स और वो सब आते हैं वो देने का कोशिश किया गया है यहाँ पे। जो ब्लू मैंने यूज़ किया है वो उसका जो शेड नेम है वो है, वो चॉक पेंट है ब्लू स्पा करके। और वाइट तो स्नो वाला वाइट यूज़ किया है मैंने। तो अब ये पूरा हो गया है। अब इसके ऊपर हमें देना है वार्निश। वार्निश के लिए मैं मैट वाला वार्निश यूज़ करूँगी क्योंकि हमने डेकोपाच ग्लू जो था वो मैट वाला यूज़ किया था, इसलिए ये भी मैट वाला ही यूज़ होगा। इसके लिए आप कोई भी फ्लैट ब्रश यूज़ कर लो। और ये वाला जो वार्निश है उसको देने के बाद आपको आपका ब्रश जो है वो ज़्यादा कुछ टर्पेंटाइन या ऐसा कुछ यूज़ करके क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली सोप यूज़ करके उसको क्लीन कर सकते हो। अब बॉटल के ऊपर के साइड में हम ये बो अटैच कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से वो नॉट हम बांध सकते हैं।
ठीक है? तो ऐसे नॉर्मल हम नॉट बांधेंगे, फिर एक राउंड यहाँ से आएगा और वो अंदर के साइड से हम उसको पुल करेंगे एंड सी बन गया। तो ऐसा आप वो बना के ऊपर के साइड में लगा सकते हो, और उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए फ्लावर में ऐड कर रही हूँ। एंड सी, हमारा बॉटल रेडी हो गया है क्रिसमस के लिए। सो गाइस, आपको ये DIY कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपने अभी तक क्रिसमस के लिए कितने DIY बनाए हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ऐसे ही नए नए DIYs के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।